माय नेम इज ओम प्रकाश फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सिंह सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रायसनगर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। यस्टरडे आई टोल्ड यू या आई एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन 8, 9, 10 एंड 11। ओके, in this question we have given question number 8. In question number 8, a train travel 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more than comma, it would have taken 1 hour less than for same journey. Find the speed of the train. Okay, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो ट्रेन है ना वो एक स्पीड एक समान स्पीड चल रही है। डिस्टेंस कितने गिवन है? 360 किलोमीटर। ओके, इफ यदि उसकी जो स्पीड है पहले से 5 किलोमीटर मोर देन इंक्रीज कर देंगे तो जो टाइम है ना पहले से कितना लगेगा? 1 आवर लेस देन लगेगा, कम लगेगा। उस कंडीशन में उसको फाइंड क्या करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इसकी जो स्पीड है वी हैव नॉट गिवन देन वी सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर और जो इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन x plus 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये स्पीड हमने क्या की? स्पोज कर ली। और ये क्या होगी? वैल्यूज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, ये स्पीड होगी एंड वी हैव गिवन डिस्टेंस किलोमीटर, ये इसकी डिस्टेंस गिवन है। ओके, तो देन वी अप्लाई फॉर्मूला टाइम टेकन इन ओरिजिनली ये ओरिजिनल स्पीड। ये क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ओरिजिनल स्पीड का जो फॉर्मूला है। ओके, टाइम का, तो इसमें क्या कर लेंगे? ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा 360 अपॉन एक्स किलोमीटर एंड जो सेकेंड टाइम में टाइम टेकन एट इंक्रीज स्पीड 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, वी हैव गिवन टाइम डिफरेंस in the two cases 1 hour। okay, we have given the times difference in this two cases is 1 hour। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस क्या है? 1 hour का डिफरेंस है। तो according to question
360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ वी टेक एलसीएम. एलसीएम द फर्स्ट टाइम वी टेक कॉमन 360 इन टू कंडीशन. कॉमन 360 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1. 360 टेक कॉमन एलसीएम एक्स और एक्स प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1. एक्स एक्स कैंसल 360 का 5 से मल्टीप्लाई तो 360 5 जा 1800. ओके, अपॉन एक्स एक्स की स्क्वायर 5x इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की स्क्वायर 5x इज इक्वल टू 1800. साइड चेंज एक्स की स्क्वायर 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. ओके, ये सिंबल क्या है? माइनस है. नाउ लेस ऑफ द प्लस वी फैक्टराइज. ओके, माइनस है तो 5 का फैक्टर ए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू माइनस 1800. ओके, तो माइनस है, ये हम यूज करेंगे फैक्टराइज मेथड. इट मींस कि माइनस में तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई पे 1800 हो, इट मींस 45 माइनस 40 तो 1800. तो एक्स की स्क्वायर 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, तो एक्स एक्स प्लस 45 माइनस 40 तो एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0. कॉमन एक्स प्लस 45 और एक्स माइनस 40. ओके, इक्वल टू 0. एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस 45 और एक्स 40. ओके, नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड नाउ वी राइट, या नाउ वी कैन से अबाउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर. इज 40 किलोमीटर. ओके, ये अपना कितना है? ये 40 किलोमीटर है. ये जो क्वेश्चन नंबर है 8 है, इज सेम क्वेश्चन नंबर अपना 10th है. 8 और 10 दोनों क्या है? एक सेम क्वेश्चन है, ये ट्राई करना 10th में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, देखो करते रिवीजन. लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर. ओके, द इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन x प्लस 5 वी हैव गिवन है. द स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इन प्रीवियस स्पीड. तो इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर वी हैव गिवन डिस्टेंस 360 किलोमीटर. टाइम टेकन इन ओरिजिनल स्पीड, ये अपना फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन द स्पीड. तो डिस्टेंस वी हैव डिस्टेंस गिवन 360 स्पीड x है, तो 360 अपॉन x सेकंड नंबर में
time taken at increased speed 360 upon x plus 5. Okay, we have given time difference in the two cases. In this question we have given two difference between two speed time 1 hour. Okay, according to question ये फाइव स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया इक्वल टू 1. तो नाउ वी टेक कॉमन 360, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, टेक एलसीएम x x प्लस 5, 1 का x प्लस 5 से x मल्टीप्लाई, x प्लस 5 माइनस 1 का x से मल्टीप्लाई x, x ये प्लस है ये माइनस, इससे क्या हो कैंसिल. तो 5 ये 360 का डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1800 अपॉन में x का x से मल्टीप्लाई x की स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1. नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई 5x की स्क्वायर 5x इक्वल टू 1800, साइड चेंज 1800, इसके फैक्टर में आएगा 45 और माइनस 14. तो इसमें से x कॉमन हो गया, x कॉमन x प्लस 45, और इसको कॉमन क्या आएगी माइनस का माइनस आ गया, 40 कॉमन हो गया, x आ गया ये प्लस है, ये बिल क्या है कि सेम एज इट 0. तो नाउ वी टेक कॉमन x + 45 इन दिस कंडीशन x + 45 x माइनस है 40 इक्वल टू 0, x + 45 0 और x - 40 इक्वल टू 0. तो x माइनस 45 और x 40. वी नो दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज नॉट पॉसिबल इन नेगलेक्ट वैल्यू, सॉरी इन नेगेटिव वैल्यू. Speed of the train is not possible in the negative value, the negative digit. So now we neglect the value of minus 45. मतलब 45 है ना, इसको क्या करना है? Neglect करना है, इसको count नहीं करना है. तो अपन speed कितनी आ जाएगी? 45, only 40 kilometer. So speed of the train is 40 kilometer. ये अपना question number 8 है. जो टेंथ है उससे इस तरह क्वेश्चन है. अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, फुल स्टॉप. द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेंथ एंड द स्मॉलर वंस टू फिल द टैंक सेपरेटरी. फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. ओके, तो क्या कोई सॉल्व करो ये क्वेश्चन. तो लेट द स्मॉलर टेप फिल द टैंक इन एक्स आवर और द लार्जर then the larger fills the tank in x minus 10 hour. Time taken by both tape together to fill
fill the tank 9 3 by 8 9 8 9 4 75 hour 75 upon 8 hour। ओके मतलब जब दोनों एक साथ ओपन करने हैं ना तो टैंक को 75/8 आवर में करने का फिल। तो अब इनको क्या करना है क्वेश्चन में कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय दी smaller tap in one hour one upon x part of tank fill by the larger tap in one hour 1 upon x minus 10। ओके 1 upon x minus 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 upon x प्लस 1 upon x minus 10 इज इक्वल टू टाइम भी कितना देगा, टाइम भी फोन में आएगा। ओके सॉरी टाइम भी उनका फोन में पार्ट है, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ टैप टुगेदर इन वन आवर कितना दिया 8 upon 75। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 upon x minus 10 is equal to 8 upon 75। देख एलसीएम x minus 10 मल्टीप्लाई x minus 10 प्लस x 8 upon 75 2x minus 10 x की स्क्वायर माइनस 10 x 8 upon 75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इनटू 2x माइनस 10 एंड 8 मल्टीप्लाई x माइनस 10 x। ओके तो 75 टू जा 150 150x 75 10 जा 750 इक्वल टू 8x की स्क्वायर माइनस 80x माइनस 80x साइड चेंज 0 8x की स्क्वायर 80x माइनस 150x और प्लस 750 0 तो 8x की स्क्वायर 8x की स्क्वायर माइनस प्लस ये अब क्या आएगा 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके इक्वल टू 0 बोथ साइड डिवाइड बाय 2 तो 4x की स्क्वायर 115x प्लस 375x इक्वल टू 0। ओके तो ये जो फैक्टर है ना
ये कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 150, सी की वैल्यू 375, तो ए इंटू ये करो मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा आपका 375 मल्टीप्लाई 4, ये आपको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए, ये आपका आएगा 1500। ओके, तो फैक्टर करो इसके, प्लस करने क्या बच जाए 115 मल्टीप्लाई 1500, तो ये 4x की स्क्वायर माइनस 100 है, और ये माइनस 15x प्लस 3750, ये फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, तो कॉमन टेक कॉमन, टेक कॉमन 4, 4x कॉमन, x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल टू 0, टेक कॉमन x माइनस 25, तो x माइनस 25 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25, ये हमें डायरेक्ट करने हैं। ओके, और x 75 कौन में 4, ये डेसिमल में आएगा, तो ये x इक्वल टू 75 कौन में 4 इज नेगलेक्टेड, देन x क्या है, x आएगा आपका स्मॉलर टेप, जो स्मॉलर टेप है ना, स्मॉलर टेप है, ये इसका डायमीटर कितना देगा 25, और लार्जर का, लार्जर का टेप का डायमीटर ये पूरा लिख लेना। ओके, ये आपका 25 माइनस 10 तो ये 15, ये आपका 25 और 15, ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है। ओके, ये पूरा लिख लेना, ये बोला ना कि दी स्मॉलर टेप कैन फिल द टैंक, एक्स क्या था अपना 25, तो 25 आवर आए, ये 25 आवर करेगा कंप्लीट, और लार्ज क्या करेगा 15 आवर में, अपना लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 4.6 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन का गिवन है, ये देखो ये टू स्क्वायर है, ये तो ये फर्स्ट स्क्वायर आ गया, ये अपना स्क्वायर कौन सा आ गया, ये पहला स्क्वायर हो गया। ओके, और ये अपन लार्ज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं स्मॉल, ये टू स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर अपना ये फर्स्ट स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ये स्मॉल हो गया P, Q, R और S, ये टू स्क्वायर हो गया। सम ऑफ एरियाज इन टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ द पेरिमीटर 24 मीटर, मतलब अब हम क्या करेंगे, इसकी जो साइड है ना, ये कर लो सपोज फर्स्ट x है, ये क्या है y, तो लेट लेट साइड साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर है। ओके, तो ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, ये भी x है, y और ये y, यू नो डेट स्क्वायर आर साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, तो
सेकंड में साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज वाई मीटर. ओके क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स की स्केयर प्लस वाई की स्केयर इक्वल टू 468 मीटर की स्केयर. फॉर्मूला क्या होगा इसके साइड का सॉरी एरिया ऑफ स्केयर का साइड टू साइड ये साइड की स्केयर. तो ये होगा एरिया ऑफ फर्स्ट स्केयर का और ये सेकंड का एरिया ऑफ सेकंड स्केयर. ओके और इसका पेरिमीटर पेरिमीटर 4x माइनस 4y इक्वल टू 24. ओके यानी प्रॉब्लम एरिया साइड इनटू साइड पेरिमीटर 4 इनटू साइड. ओके ये तो ये 4 इनटू साइड 4 इनटू साइड 24. इसमें 4 4 24 4 डिवाइड में बोथ साइड डिवाइड 4 तो x y और 6 साइड चेंज x 6 प्लस y ये तो सेकंड ऑर्डर कर सकते हैं. ओके नाउ वी x प्लस 6 प्लस y x प्लस पुट 6 प्लस y तो ये 6 प्लस y होल स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर ये 468 मीटर. तो a प्लस b की और स्क्वायर a स्क्वायर b से 2ab a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab तो 6 इनटू y तो y की स्क्वायर 468 मीटर की स्क्वायर तो 36 y की स्क्वायर 12y y की स्क्वायर 468 मीटर. ओके तो y by 2y की स्क्वायर 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0 तो ये 2y की स्क्वायर 12y माइनस 2 3 4 डिवाइड बाय 2 बोथ साइड y की स्क्वायर 6y माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a
फर्स्ट नंबर सिंबल पॉजिटिव सिंबल एक्स माइनस पी प्लस का टी अपॉन में 2a अपॉन में 2a, तो फाइंड वाई की वैल्यू है ना, तो वाई ये वाई वाई तो बी रिप्लेस माइनस सिक्स डी रिप्लेस 30 अपॉन में 2a रिप्लेस 1, तो वाई 24 अपॉन 2 12, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 12, और ये क्या किया है नेगेटिव में नेगेटिव क्या आएगी नेगलेक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा जो फर्स्ट साइड क्या आएगी 12 और सेकंड साइड है x 6 प्लस 12 x 18 ओके, तो साइड साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर इज 18 और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज 12 ओके, ये सेकंड क्या आ जाएगी 12 ओके, थोड़े से ना